गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं रितिका रंजन, टीचर ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं आज आपके लिए क्लास 5 के लिए संस्कृत का वीडियो लेके आई हूँ। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट है स्तुति, प्रेयर। संस्कृत में जो है वो हमेशा फर्स्ट चैप्टर जो है वो रहता है स्तुति, प्रेयर होता है। प्रेयर से हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का बुक। तो ये मैंने बोर्ड पे लिखी है इसलिए कि आप लोग इसको अपने नोटबुक पे उतार लीजिए और इसका अच्छे से इसको याद कीजिए। विथ हिंदी का जो अनुवाद होता है इसका, संस्कृत का जो हिंदी अनुवाद होता है उसके साथ आप इसको याद कीजिए। और चलिए मैं इसका उच्चारण करके आप लोगों को बताती हूँ। अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उच्चारण कीजिएगा वैसे ही आप लोग इसका। चलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के बारे में है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु गुरु ही विष्णु है, गुरु देव महेश्वर, महेश्वर यानी कि शिव, देव, देवों के देव महादेव शिव को महेश्वर कहा जाता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। अतः ऐसे उन गुरु को मेरा नमस्कार। गुरु जो है वो सब कुछ होता है, इसलिए गुरु को जो है सबसे पहले हम उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु जो है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम गुरु को नमस्कार करते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर, योर टीचर, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग उतारिए, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं जो प्रॉब्लम हो रही है, और अगर पेरेंट्स बताने में सक्षम नहीं हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो इस नंबर पे आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल करके अपने प्रॉब्लम को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसको भी आप लोग उतारिए। और COVID-19 की वजह से जो है हमारा देश लॉक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ को बार बार साबुन से धोइए, बिना हैंड वॉश किए, बिना सैनिटाइज किए आप अपने आँख नाक और मुंह को टच नहीं कीजिए। किसी भी चीज़ को टच करने के बाद आप अपने हैंड को वॉश कीजिए लगभग 20 सेकंड तक किसी भी साबुन या हैंड वॉश से, और कंटिन्यू अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिए। और ध्यान रहे कि सैनिटाइजर लगाने के बाद आप अग्निशामक चीज़ों से दूर रहें, जैसे गैस का जो चूल्हा होता है उसके पास बिल्कुल ना जाएं हाथ में जब आपके सैनिटाइजर लगा हो तो, ठीक है। सो प्लीज राइट इन नोटबुक और रिमेम्बर, इसको अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।